साथियों, भगवान बसवेश्वरा ने हमें कायका यानी कर्म करने का और दासोहा यानी दूसरों की मदद करने का रास्ता दिखाया है। बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने सुशासन के इसी रास्ते को आगे बढ़ाया है। भगवान बसवन्ना की सिखाई जो भी बातें हैं वो बातें मूलतः सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास उसकी प्रेरणा है, उसका आधार है। हमारी योजनाओं में भी आप कायका और दासोहा कायका और दासोहा का प्रभाव जरूर देख सकते हैं। ये भाजपा की ही सरकार है जिसने गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी, महिला, दिव्यांग ऐसे हर वर्ग को प्राथमिकता दी। भाजपा सरकार में आज समाज के वंचित वर्ग को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मिली है। डबल इंजन सरकार ने अन्न, आश्रय और अक्षरा के लिए काम किया है। कर्नाटका के 9 लाख ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अनेक पीढ़ियों के बाद अपने पहले पक्के घर में प्रवेश मिलना तय हुआ है। इनमें से अधिकतर दलित, वंचित, पिछड़े समाज के परिवार हैं। कुछ महीने पहले ही मैं कलबुर्गी आया था। वहां मुझे कर्नाटका के लाखों बंजारा साथियों को नया जीवन देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इन हजारों परिवारों को हक्कू पत्र दिए गए हैं। अपनी बंजारा माताओं बहनों को वो हक्कू पत्र देते हुए मैं एक आत्मविश्वास उनमें साफ साफ देख रहा था। ये आत्मविश्वास इस बात का था कि अब उनके बच्चों को उपेक्षा का शिकार नहीं होना पड़ेगा, उन्हें वंचितों का जीवन नहीं जीना पड़ेगा। और यही तो सच्चा सामाजिक न्याय है जिसकी बात बीजेपी की डबल इंजन सरकार हमेशा करती है। वरना आप सभी साक्षी हैं कि कांग्रेस की सरकारों में कभी किसी ने बंजारा, लंबानी साथियों की सूद तक नहीं ली। जिस कांग्रेस ने भगवान बसवन्ना के शिक्षाओं को कुछ नहीं समझा, जिसने बाबा साहब अम्बेडकर का निरंतर विरोध किया, वो कांग्रेस कभी भी दलितों, पिछड़ों की सूद नहीं ले सकती। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे देश विदेश में भगवान बसवेश्वरा के संदेश को पहुंचाने का अवसर मिला है। लंदन में जब मैंने उनकी प्रतिमा का अनावरण किया, वो दिन मैं कभी भी नहीं भूल सकता। देश दुनिया में बाबा साहब के पंचतीर्थ के निर्माण का सौभाग्य भी हमारी सरकार को ही मिला है।